हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के बारे में और उसके डिफरेंस के बारे में बात किए थे। सो आज हम बात करेंगे हार्ड और सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस कॉलम में पूरे हार्ड एसिड के एग्जांपल हैं, इस कॉलम में सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल हैं। तो हार्ड एसिड के क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो एस ब्लॉक में हमारे क्या हैं, दो वर्ग हैं, क्षारीय मृद धातु और क्षारीय धातु का। तो देखिए पहला क्या है, हेलिना की क्या है, ये हार्ड एसिड है। इसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर, ये क्या है, हार्ड एसिड है। ठीक है, इसके बाद हमारा बैगन आलू गाजर जो था उसमें से क्या है, हमारा बैगन यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये दोनों क्या होंगे, हमारे हार्ड एसिड के अंदर रहेंगे। और इसके अलावा AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, ये सारे क्या हमारे जो कंपाउंड हैं, ये भी क्या हमारे हार्ड एसिड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कार्तिक शिव गणेश संघ पार्वती, जो ये वाला ग्रुप था पी ब्लॉक का, इसको हम लोग याद किए थे। तो इसमें जो हमारा पूरा ही क्या आ गया है, हार्ड एसिड के अंदर आ गया है। अब अगर हम बात करें सॉफ्ट एसिड के, ठीक है, सॉफ्ट एसिड में क्या हमारा, यहाँ पे हमने बात किया हेलिना की रब से, तो यहाँ पे क्या देखिए, हेलिना की रब से तो रुबिडियम और सीजियम, ये क्या हमारे दोनों सॉफ्ट एसिड के अंदर आएंगे। इसके बाद क्या हमारा बेरियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मरकरी, इसके अलावा BH3, ये सारे क्या हमारे सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल हैं। तो ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें बताया गया कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं। अगले वीडियो हम बात करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट बेस के बारे में, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।